तो दोस्तों अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों सामने कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट, तो दोस्तों इनको 20 अप्रैल में दोस्तों जो लॉकडाउन में कुछ ज़िलों में छूट दी गई थी तो उसके आधार पर इन्होंने भी अपनी सेवाएं शुरू करी थी। तो दोस्तों इनके द्वारा यह बताया गया था कि ये लोग कस्टमर्स के ऑर्डरों को दोस्तों ये लोग एक्सेप्ट करने लगे थे और कस्टमर्स के ऑर्डर लेने लगे थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद यह एक गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, तो जिसमें बताया गया कि ये ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ ज़रूरत का सामान ही को ही ऑर्डर कर पाएंगे, टीवी मोबाइल लैपटॉप ये सारी चीज़ों को ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों न्यूज़ में यह कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को भी अपनी सेवाएं शुरू करने की इजाज़त दी है, लेकिन उन्हें सिर्फ ज़रूरी सामान की आपूर्ति की ही इजाज़त मिली है। सरकार ने दोस्तों यह कहा है कि सभी ई कॉमर्स कंपनियां सभी तरह की सेवाएं शुरू नहीं कर पाएंगी, जैसे टीवी मोबाइल फ्रिज जैसे गैर ज़रूरी सामानों की आपूर्ति नहीं कर पाएंगी। तो ये ई कॉमर्स कंपनियां, तो दोस्तों आप थोड़ा वेट कीजिए, महीने 15 दिन का वेट कीजिए दोस्तों, इसके बाद आप सिंपली अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मोबाइल टीवी ऑर्डर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी जो नोटिस जारी किया गया उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप अभी टीवी कूलर फ्रिज ऐसे गैर ज़रूरी सामान को ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, ना ये ई कॉमर्स कंपनियां आपको यह डिलीवर्ड कर